हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग में एक टूल है जिसका नाम है मेलचिम। काफ़ी बेहतरीन टूल है, उसका हम क्या बेसिक जानेंगे, क्या उसका यूजेस है, क्या उसके प्राइसिंग प्लान्स है और उसमें क्या फीचर्स है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन मेलचिम। तो काफ़ी इजी है और मेलचिम को यूज़ करना भी काफ़ी इजी है, बट अपन आज के सेशन में सिर्फ मेलचिम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और मेलचिम को कैसे यूज़ करना है वो अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट? तो अभी अपन अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं, गूगल क्रोम। इसमें आपको सर्च करना है मेलचिम। अभी आप ऐड वाला छोड़ दो, उसके बाद में जो पहला लिंक आ रहा है उसको ओपन करना है आपको। इसके बाद आ रहा है साइनअप का ऑप्शन, बस यहाँ पर आप मेन्यू में अगर जाओगे तो यहाँ पर आ रहा है प्राइसिंग का ऑप्शन। पहले हम प्राइसिंग देख लेते हैं, किस हिसाब से चार्ज लगता है। अभी देखो क्या है ना कि ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी कॉन्टैक्ट्स डू यू हैव। तो इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटी है कॉन्टैक्ट्स की, 500 से लेके 1500, 2500, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके पास में हैं उस हिसाब से आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। और अभी मैंने INR करेंसी सेट कर रखी है, अगर आपने USD कर रखी होगी तो आपका जो भी प्रीमियम प्लान है वो USD के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे सारे। अभी INR है तो ये रुपीज़ के अंदर दिखा रहा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का मतलब है कि आपकी सब्सक्राइबर की लिस्ट, कि कितने लोगों को आप ईमेल करना चाहते हो। तो पहले बात करते हैं हम फ्री प्लान की। फ्री प्लान के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा और इसके अंदर आप 1000 ईमेल्स मंथली सेंड कर सकते हो, मतलब एक महीने में 1000 मेल आप सेंड कर सकते हो। और एक सीट मिलेगी आपको, मतलब एक यूज़र एक मेलचिम्प अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। अभी यही चीज़ अगर आप दूसरे पैकेज में, हायर पैकेज में देखोगे तो आप 500 कॉन्टैक्ट्स को 5000 मेल कर सकते हो, मतलब एक इंसान को आप 10 बार मेल कर सकते हो अप्रोक्सीमेट। और इसके अंदर 3 सीट्स मिल रही है, मतलब एक अकाउंट को 3 लोग यूज़ कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? मान लेते हैं कि सीनियर मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर तीनों यूज़ कर सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट का इंसान। अभी नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड प्लान। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर उन्हीं 500 कॉन्टैक्ट्स को आप 6000 मेल सेंड कर सकते हो एक मंथ में, और 5 सीट्स मिलती है आपको। नेक्स्ट आता है प्रीमियम प्लान, इसके अंदर आप उन 500 लोगों को 1.5 लाख मेल सेंड कर सकते हो और अनलिमिटेड यूजर्स है, राइट? अभी नेक्स्ट आता है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट, अब जाहिर सी बात है कि प्रीमियम प्लान है तो फोन पे और प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है आपको। स्टैंडर्ड और एसेंशियल्स में आपको 24x7 ईमेल एंड चैट सपोर्ट मिलेगा, मतलब चैट सपोर्ट भी है, आप चैट करके भी अपना जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करवा सकते हो। फ्री प्लान के अंदर सिर्फ आपको पहले 30 दिन आपको ईमेल द्वारा सपोर्ट मिलेगा, कोई चैट सपोर्ट नहीं है, कोई फोन सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा मान लेते हैं कि आपने फ्री प्लान ले रखा है तो वो नेक्स्ट मंथ भी आपका वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि आपका प्लान वर्क नहीं करेगा। आप 1000 मेल ही सेंड कर सकते हो बट ईमेल सपोर्ट आपको सिर्फ फर्स्ट मंथ मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर प्री बिल्ट ईमेल टेम्पलेट्स तो चारों में अवेलेबल है। ईमेल टेम्पलेट अपन ने देखा है कि अपने पास में रेगुलर जो कंपनी की तरफ से मेल्स आते हैं वो अट्रैक्टिव रहते हैं, वो इस वजह से रहते हैं क्योंकि वो लोग ईमेल टेम्पलेट यूज़ करते हैं, उसमें इमेज वगैरह डाल सकते हैं आप, वीडियो वगैरह डाल सकते हैं और लोगो वगैरह लगा सकते हैं। अदरवाइज जीमेल से जो आप मेल करते हो काफ़ी बेसिक मेल रहते हैं। नेक्स्ट आता है 300+ इंटीग्रेशन, मतलब आप मेलचिम्प को इंटीग्रेट कर सकते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के साथ या प्लगइन्स के साथ, जैसे कि आप इसको वर्डप्रेस वेबसाइट पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, आप फेसबुक से इंटीग्रेट कर सकते हो, गूगल से इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर वू कॉमर्स, इंस्टा मोजो या पेमेंट गेटवे से भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कोई भी इंसान अगर आपकी वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा फ्लो मेलचिम्प पे हो जाएगा, राइट? आपको बार बार डेली की एक्सेल डाउनलोड करके और यहाँ अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डेटा आपका कलेक्ट होता रहेगा मेलचिम्प अकाउंट के अंदर, आपके कॉन्टैक्ट्स या सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट आता है बेसिक रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। बेसिक रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स में आप चेक कर सकते हो कि आपका मेल
मान लेते हैं 1,000 लोगों को आपने भेजा, तो 1,000 में से कितने लोगों ने आपका मेल खोला है, या कितने लोगों ने आपके मेल पे रिस्पॉन्ड किया है, और किन किन ने रिस्पॉन्ड किया है, वो सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो, किन्होंने ओपन किया, वो सब कुछ आप देख सकते हो, या फिर कितने मेल बाउंस हुए हैं, वो सारा आपका एनालिटिक्स पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स एंड लैंडिंग पेज। आप जैसे वेबसाइट पे अपन निंजा फॉर्म बनाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उस हिसाब से आप मेलचिप का भी फॉर्म बना करके और अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, ताकि लोग अपना डेटा फिल कर सके। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव असिस्टेंट। क्रिएटिव असिस्टेंट ये रहता है कि मतलब जो भी आप गैलरी के अंदर मेलचिप में इमेजेस अपलोड कर रहे हो, आप उनको भी एडिट कर सकते हो डायरेक्टली मेलचिप में। नेक्स्ट आता है रोल बेस्ड एक्सेस। रोल बेस्ड एक्सेस क्या है कि मतलब आप 5 रोल्स डिफाइन कर सकते हो मेलचिप पे, जैसे कि एक इंसान ईमेल टेम्पलेट बनाएगा, एक इंसान नया मेल लिखेगा, एक इंसान कॉन्टैक्ट्स अपलोड करेगा, और एक फाइनल अप्रूवर भी रोल बना सकते हो, कि मतलब जब कभी भी कोई मेल कैंपेन स्टार्ट होगा तो इनपुटर वो पर्टिकुलर मेल कैंपेन बनाएगा और ऑथराइजर उसको ऑथराइज करेगा, तभी वो लोगों को आगे मेल सेंड होएगा। तो प्रीमियम में ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रीमियम पैकेजेस के अंदर 2, 4 और 5 रोल्स आप बना सकते हो। नेक्स्ट आता है रिमूव मेल चिम ब्रांडिंग। क्या होगा कि आपका जो भी पर्टिकुलर मेल रहेगा उसके अंदर प्रीमियम अगर आपका पैकेज है, तो नीचे मेल चिम की ब्रांडिंग आएगी, मेल चिम का लोगो वगैरह नाम वगैरह लिखा हुआ आएगा, बट प्रीमियम पैकेजेस में आप मेल चिप की ब्रांडिंग को भी रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग अपने आप में 6 मंथ्स का कोर्स है। इसके अंदर आप 2 अलग अलग कैंपेन्स को कंपेयर करके और रिजल्ट पे पहुंचते हो। अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा रहता है। नेक्स्ट आता है ईमेल स्केड्यूलिंग। ईमेल स्केड्यूलिंग में आप स्केड्यूल कर सकते हो मेल को कि कौन सी तारीख को कितने बजे आपका ऑटोमेटिकली ईमेल डिलीवर हो जाए आपके ऑडियंस को। प्रीमियम में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, प्रीमियम में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड कस्टमर जर्नी। और ऑटोमेटेड कस्टमर जर्नी में आप क्या कर सकते हो कि ईमेल मार्केटिंग का ऑटोमेशन रन कर सकते हो, जो कि अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि आपका मेल ऑटोमेटिकली आपके ऑडियंस को चला जाएगा। जिन्होंने ओपन किया तो उनको मेल नंबर बी जाएगा, और जिन्होंने ओपन नहीं किया उनको मेल नंबर सी जाएगा। इस हिसाब से आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो। तो प्रीमियम में ये फैसिलिटी नहीं है, बट प्रीमियम के अंदर है, इसमें भी एनहेंस्ड फैसिलिटी और नॉर्मल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है प्री बिल्ड जर्नी। ऑटोमेटिक क्या है कि जर्नी बिल्ट रहती है इसके अंदर, आप उनको भी यूज कर सकते हो। कस्टम कोडेड टेम्पलेट्स, आप टेम्पलेट जो ईमेल टेम्पलेट्स हैं वो भी कोडेड टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हो इसमें, जो जिनको कोडिंग का नॉलेज है उनको आइडिया रहेगा कि वो कोडिंग के हिसाब से वो टेम्पलेट बना के और उन टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हैं। सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर फ्रिक्वेंटली आपके मेल डिलीवर हो जाते हैं। प्रिडिक्टिव सेगमेंटेशन, आप प्रिडिक्ट करके अपनी ऑडियंस में अलग अलग सेगमेंट में अपनी ऑडियंस को डिवाइड कर सकते हो, ताकि आपको एक बेटर रिजल्ट प्राप्त हो, राइट। नेक्स्ट आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजर। कंटेंट ऑप्टिमाइजर आपने देखा होगा कि काफी बार आप कंपनी के मेल खोलते हो तो कुछ मेल तो झट से खुल जाते हैं और कुछ में टाइम लगता है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजर में क्या होगा कि आपका जो मेल है उसके अंदर जितना भी आपने कंटेंट डाला है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ताकि आपके मेल को जो इंसान रिसीव कर रहा है उसके स्क्रीन पे फटाक से मेल खुलता है, राइट। नेक्स्ट आता है डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक देखो, कंटेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक में आपका कंटेंट क्या है कि एकदम शांत रहेगा और हिलेगा नहीं, लाइक GIF इमेज की तरह। डायनेमिक में आपका कंटेंट मूव होता रहता है, तो वो एक फैसिलिटी मिल जाती है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ईमेल को। कैंपेन मैनेजर की जो फीचर है वो प्रीमियम पैकेजेस में अवेलेबल है, कैंपेन को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मल्टी वेराइड टेस्टिंग। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट रन कर सकते हो अपने कैंपेन के ऊपर, ताकि आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग रिजल्ट्स के बारे में अनुभव हो सके। कंपेरेटिव रिपोर्टिंग, आप 2-4 कैंपेन्स का कंपेरिजन भी ड्रॉ कर सकते हो, और एडवांस सेगमेंटेशन भी कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। आपने जैसे सेगमेंटेशन करके डिवाइड किया था, उस हिसाब से उसको और एडवांस तरीके से भी सेगमेंटेशन कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके फीचर्स रहते हैं मेल सिम के।
अभी जैसे ही मान लेते हैं कि मेरे पास में 10,000 कस्टमर्स का डेटाबेस है, तो उनको मैं मेल सेंड करूंगा। तो अभी देखो प्लान क्या हुआ, फ्री वाला तो कॉन्टैक्ट लिमिट एक्सीडेड, फ्री वाला आप यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एसेंशियल, एसेंशियल्स में 5,800 का है, स्टैंडर्ड में 7,600 का, प्रीमियम में 23,000 का है। अभी इसमें मंथली ईमेल सेंड की कैपेसिटी भी बढ़ गई है, पहले से 1 लाख हो गई है, मतलब एक इंसान को आप 10 बार मेल कर सकते हो। तो फीचर्स ये कि ये रहेंगे प्रीमियम पैकेजेस में, बस ईमेल की सेंड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसमें।